देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह अपनी पहली बैठक का आगाज गाजियाबाद से किया है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह गाजियाबाद के भाजपा के अभियानों की समीक्षा बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए बैठक कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम एक विचारधारा के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अलग अलग विषयों पर अपने संगठनात्मक विषयों को नीचे पहुंचाने की चर्चा करते हैं। हम सरकार में हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, तो सरकार की जो हमारी नीतियां हैं, सरकार के जो हमारे काम हैं, हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो हमने काम केंद्र की सरकार ने 8.5 सालों में और राज्य की सरकार ने 5.5 सालों में किए, उसकी चर्चा हम लोगों ने की है और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक, नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां, सरकार के काम नीचे तक हम पहुंचाएंगे। दो चुनाव हैं, अभी स्थानीय निकाय का चुनाव है, हमने उसकी योजना बनाई है, रणनीति बनाई है, अपने कार्यकर्ताओं को काम दिया है और एक चुनाव मुरादाबाद और बरेली मंडल का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का विधानसभा परिषद का चुनाव है, तो उसमें मुरादाबाद मंडल के 5 जिले भाग लेंगे, तो उसकी भी एक कार्य योजना बनाकर अभी वोट बनाने का काम है, वोट हम लोग बनाएंगे अधिक से अधिक और वोट डलवाने का काम है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता संपर्क करके वोट डलवाने का काम करेंगे। हमारी सिटिंग सीट है, वो उसे भी जीतेंगे और नगरीय निकाय में जितने भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, भारतीय जनता पार्टी विशेष योजना बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को काम देकर और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जो काम नगर निगमों के माध्यम से, नगर निकायों के माध्यम से ये है, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, अपने कार्यकर्ता की सक्रियता और मेहनत के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से विधान परिषद भी जीतेंगे, नगर पालिका भी जीतेंगे, नगर पंचायत भी जीतेंगे, नगर निगम का मेयर भी जीतेंगे। तो ऐसा मान के चले कि अब जो निकाय चुनाव आने वाले हो, जो तय समय है उस पर निश्चित रूप से जो समय अवधि है, सरकार की पूरी तैयारी है, हम जो लोग छोटे मोटे विषय हैं, कुछ सीमा विस्तार हुए हैं नगर निकायों के, उनका परिसीमन होना है तो बहुत जल्दी परिसीमन कराते हैं, मतदाता सूची के हिसाब बनाकर निश्चित समय सीमा पर चुनाव कराएंगे। जैसा कि त्यागी समाज नाराज चल रहा था नोएडा में, तो किस तरह से उनको मनाने की कोशिश की जाएगी? अभी हमारे परिवार का मामला है, हम अपने लोगों से संपर्क करके, बातचीत करके सबको राजी करेंगे, सबको सहमत करेंगे। ऐसा माना जाए सिसोदिया का लॉकर खंगाला गया, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पे गंभीर आरोप। गाजियाबाद सुबह 9:40 पर यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी के पास इंडियन ओवरसीज बैंक में आग लगने की सूचना पर तत्काल एक फायर टेंडर भेजा गया। आग बैंक मैनेजर के केबिन ऑफिस में लगी थी। धुएं से भरे समूचे बैंक में पीए सेट पहनकर अंदर जाकर बैंक के अन्य हिस्सों में आग को फैलने से रोकते हुए बुझा दिया गया और बैंक के वह भवन के अन्य हिस्सों को बचा लिया गया। कोई भी जनहानि नहीं होने पाई। 9:40 पे सूचना मिली कि इंडियन ओवरसीज बैंक है यशोदा हॉस्पिटल के पास, उसमें आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन वैशाली भेजी गई गाड़ी, देखा गया कि बैंक बंद था, उसमें काफी धुआं निकल रहा था। बैंक के मैनेजर आदि स्टाफ आ गया था, उनकी उपस्थिति में बैंक का ताला तोड़ करके खोल करके और बुझाने की कार्रवाई की गई। देखा गया कि बैंक मैनेजर के केबिन में आग लगी थी, जिसे पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग से केवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह इत्यादि जले हैं और आग को अन्य बैंक के हिस्से में फैलने से रोक दिया गया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।